हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड होगा आपके SSC के। 4 अक्टूबर का हुआ था, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का बीच में है। तो इस शिफ्ट, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का 1 दिन का, और इस शिफ्ट में हम जो देखने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखें, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है मैथ का, बोला कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या होगा, तो आप देखोगे तो इधर साइन साइन ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, जो कि वैल्यू कितनी देगा, साइन ए देगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कोस स्क्वायर ए और इसकी पावर 2 प्लस में कोस स्क्वायर ए और इसकी पावर 3। तो यहाँ पर आप कोस की जगह आप साइन पुट करोगे, साइन स्क्वेयर ए हो जाएगा, क्योंकि इसकी तो साइन ए हो जाएगा और इसका स्क्वेयर स्क्वेयर हो जाएगा, और यहाँ से साइन की पावर 3 ए आ जाएगा। अब क्या करोगे, साइन को कॉमन लो, साइन 2 ए को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस 1 प्लस साइन ए आया आपका। तो ये अगर स्टेटमेंट चेक करूं मैं इसके अकॉर्डिंग, तो ये हम इस तरह कॉमन ले लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग कॉमन लें तो साइन ए कॉमन ले रहा हूं, और अंदर क्या रहेगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए रह जाएगा। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो साइन ए इंटू 1, तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको बताना है, पाई की वैल्यू ये मान्य है। तो आप देखिए सिंपल सी चीज है, आई थिंक सभी में वैलिड होगी, तो मैं इसको नहीं बता रहा। फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 इंटू 175/100, कर लीजिए, आपका सिंपल रहेगा। 2 से कटेगा तो 50, 5 से कट करो 5 3 और पापा 25, 7 से कट करोगे 5, 5 से कट करोगे 2, 2 से कट करोगे 11, ओनली 11 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एच सी एफ ऑफ एम एंड एन, बोला ए तो एन इज इक्वल टू ए बी है, तो एम एन का एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। तो एन को यहाँ पर हम ए बी मान लेते हैं, एन को यहाँ पर ए बी मान लिया, और एन और इनका एच सी एफ जो कॉमन देगा वो ए है, तो कहीं ना कहीं ए इसमें भी होगा। ए इसमें भी होगा, राइट। तो इसको मैं एम की जगह ए पुट करना हूँ, कर रहा हूँ डायरेक्ट, ताकि अपना एच सी एफ कितना ए आए। तो एलसीएम बोला कि एलसीएम एम और एन का क्या होगा, एम को ए मान लिया, इसको ए बी मान लिया, तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी थर्ड ऑप्शन आना चाहिए, इन्होंने बी एम क्यों दे रखा, देखते हैं, कोई नहीं ट्राई करते हैं। एन बोल रहा है कि ए बी हो जाएगा, राइट। तो ये अपने अपने अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन आएगा, बाकी आप चेक कर लीजिए, अगर आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार बताना जरूर कि आपका क्या गलती हुई होगी मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए बॉयज और गर्ल्स के, ठीक है, ये परसेंटेज में आपको दे रखी, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन वाई एंड जेड, वाई 30%, जेड 25%। 30 प्लस 25 कितना हो गया, 55%। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एक्स एंड वाई, एक्स आपका 45 और वाई आपका 30 है, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 75%। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 24% का डिफरेंस है। तो क्या बताना है, बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ, नंबर काउंट करने हैं तो 20%, तो यहाँ पर तो आपको 100% की वैल्यू 36 दे रखी है, अगर 100 की वैल्यू 36 दे रखी तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 आ जाएगी। इसके साथ आप 36 की मल्टीप्लाई कर दो, 720 आपको राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो रेडियस ऑफ बेस राइट सर्कुलर कोन का 5 है, स्लैंटाइट 13 है, वॉल्यूम आपको बतानी है।
तो सलांट एट एल आपको 13 दे रखा है, यहां से आपको आर की वैल्यू 5 ले रखिए। तो हाइट आपको निकालनी है। हाइट कैसे निकालती है, जैसे मान लो ये कौन है, ठीक है, ये कौन है, ओके, और ये एक हाइट, ये तो आपकी हाइट है, इधर सलांट हाइट है, और ये आपका रेडियस है। अगर आप 2D में देखोगे तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो ये आपको 13 दे रखा है, ये यहाँ पर 5 दे रखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हाइट कितनी होगी, 12। वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr² h होता है। तो इसको हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड ऑफ बोला कि राउंड ऑफ इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो लॉजिक है 11 के मल्टीपल में, वो आपका नहीं लगेगा, पहली चीज तो ये है। तो हम सोल्व करके देखेंगे, 1/3 × 22/7, आर की वैल्यू 5 × 5, एच की वैल्यू 12, 3 सेकंड का, तो 4, 4×5 20, ये आपका 110 हो जाएगा। तो 20×5 100 और 2200 आपका आगे 7, तो 7×3 21 होता है, और 7×7 30, 7×2 28, 314 के लगभग हो जाएगा। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ, ठीक है, तो अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी वाज कितना, तो सम बताना है कितना इन्वेस्ट किया गया। देखो 10% है, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में तो रेट जो होगा आधा हो जाएगा, 5% का फ्रैक्शन निकालो, 1/20 आ जाएगा, ठीक है, 1/20। अब 18 मंथ दे रखे, 18 मंथ के कितने टाइम हो गए, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 3 टाइम हो गया आपके, ठीक है। तो यहां से हम अमाउंट देखेंगे 21/20, और 21/20 की पावर 3 इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो 21/20 का क्यूब आप निकालिए, क्यूब निकालोगे तो 21×9 2×6 1 हो जाएगा, डिवाइड में 8000, अपने 8000 की वैल्यू निकालनी है। कौन सा 8000 से मल्टीपल हो रहा है, ये नहीं होगा, सॉरी 8 से मल्टीपल ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक, इनको सॉल्व करना है। आप चेक करेंगे तो देखते हैं भाई, 64,600, इसकी वैल्यू 64,827 रुपये दे रखी है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, एक चीज आप सिर्फ सिंपल सी चीज देखो, लास्ट में 7 से मल्टीपल होगा, क्योंकि 1 से 7 बनाए तो 1 सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करो तो 7 से मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं, तो 7×9 63, तो ये भी नजदीक ही जा रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 7 से मल्टीपल हो जाएगा, 0 0 0, और कितना हो जाएगा, 7×2 56,000 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि सी भी एक सर्कल विद सेंटर हो जिसका रेडियस 5 है, पी क्यू एक टेंजेंट है सर्कल, पहले हम ट्रायंगल बना, सॉरी सर्कल बना लेते हैं, ये सेंटर ओ है और ये आपका 5 रेडियस है, पी क्यू एक टेंजेंट है, या सी भी एक सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड रेडियस 5, पी क्यू एक टेंजेंट है टू द सर्कल एंड ए इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, कहीं ना कहीं पॉइंट बना रहा बेटा, ये पॉइंट होगा आपका ए, ठीक है, लेट बी बी द पॉइंट ऑन पी क्यू, ये पी क्यू लेंथ है, पी क्यू पर एक बी पॉइंट है जहां पर लेंथ ए बी 12 दे रखा है, तो ए बी की वैल्यू कहीं ना कहीं बी पॉइंट यहां पर ले लेता हूँ, ये 12 दे रखी है, तो आपने क्या निकालना है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग ओ एंड बी, ओ एंड बी को ज्वाइन कर दो, कर दियो, ओके, इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, आर यहां पर आर पॉइंट है, तो लेंथ बी आर आपने निकालनी है, ये वाली लेंथ आपने निकालनी है, चलो फिर निकालते हैं, तो ये रेडियस है 5 है, तो यहां पर आप चेक करोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां पर, और ये क्या है, ये आपके परपेंडिकुलर है, ये आपके हाई बेस है, और ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, तो ओ आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस से ट्रिपलेट यूज करोगे, तो
ओ आर बी अगर आप निकालोगे, ओ बी निकालोगे, तो ओ बी कैसे बना होगा? ये तेरा कैसे आया होगा? ओ आर प्लस आर बी आया होगा, तो आर बी निकालना होगा। ओ आर आपके पास रेडियस है, यहाँ तक रेडियस है, और प्लस में आर आर बी निकालना है, तो 13 में से 5 माइनस गए, 8 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 5 एकम 5 और 2, 7/5 हो गया, माइनस 4 3 12 और 3 15। इसको सिंपल फॉर्म में बना रहा हूँ बेबे, 4 एकम 4 और 5/4 डिवाइड बाई 1/2, 2 एकम 2 और 3/2 × 3 3 9 10/3। इसको मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा, 3 ऊपर 3 एकम 3 और 1 4, तो 3 से 3 गया और 2 से 1/5 गया, ठीक है, तो 7/5 − 15/4 / 5/4 × गुना करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, और इधर जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे, इंटू में यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, इंटू में यहाँ पर 4/3 आ जाएगा, 4 से 4 कट करो, 5 से 5 कट करो, ओके हो गया, तो 7/5 − 15/4 गुना गुना करोगे तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, ओके हो गया, कुछ कट नहीं रहा, चलो नहीं कटा तो आगे सॉल्व करते हैं। तो 7/5 − 45/8, आप सॉल्व करवाइए इसको, एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया, तो 8 और 7 56 हो गया, और 45 5 ये तो कुछ ज्यादा ही चला गया। तो भाई 45 5 कितना होता है, 225 होता है, तो मेरा जो आंसर जा रहा है यहाँ पर इतना ज्यादा देख लो कितना जाएगा, तो ये इनमें से मेरे ख्याल से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा मेरे, बाकी एक बार देख लेते इसने क्या कर रखा, ऑप्शन नंबर 4 चूज कर रखा है, तो कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, तो एक बार फिर ट्राई करके देख लेते हैं। चलो भाई करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं पहले, ठीक है, 3 एकम 3 और 4, 2 एकम 2 और 3/2 मल्टीप्लाई, 3 3 और 10/3, डिवाइड की जगह अगर मल्टीपल करे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई, तो 3 एकम 3 3 से 3 कटा, 2 एकम 2 5 पे गया, तो यहाँ पर मेरा 15/4 आया। जैसे 15/4 इसके साथ मल्टीपल करूंगा तो कितना आ गया, 4 एकम 4 5/4 आया, गुना में 15/4, मतलब 15/4 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 15/8, तो 8 ऊपर 15 नीचे, 5 से कटा 3, सेम आया, सेम आ रहा भाई, देख लो एक बार ट्राई करा कर देखना, आप भी जब बताना कि क्या गलती मुझसे हुई होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक केला किसी काम को 25 दिन में कर, 25 दिन ज्यादा ले रहा है टाइम टेकन ऑफ बाय ए एंड बी दोनों से, ए अकेला 25 दिन ज्यादा ले रहा है ए और बी के काम करने के बाद, ठीक, एक दूसरी साइड बी जो है ना 16 दिन ज्यादा ले रहा है किसके, ए और बी से, तो हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी वर्किंग टूगेदर, टूगेदर मतलब कितने दिन में काम करेगा, तो मान लेते हैं ए जो है 25 दिन में कर रहा है और बी जो है 16 दिन में कर रहा है, राइट, तो भाई देखो एलसीएम कितना आएगा, 25 × 16 आएगा, तो 25 × 16 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी 16 हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ठीक है, तो 25 × 16 टोटल काम है, ए और बी कितना करेंगे, टोटल कर दो 41, टोटल कर दो 41,
चलो भाई दूसरा तरीका आजमाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी जो है ना, जितना काम दिन में लगा रहे हैं दोनों मिलकर, अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा। एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं सारे दोबारा। तो ए और बी मान लो एक्स दिन में कर रहे हैं, ठीक है, एक्स डे। एक्स दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। जितने दिन में एक्स कर रहा है उससे 25 दिन ज्यादा लेगा, और बी जितना काम करेगा वो दोनों मिल से 16 दिन ज्यादा ले रहा है। तो जब ऐसी पोजीशन आती है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा सोल्यूशन होता है। क्या होता है कि एक्स प्लस 25, अगर टोटल वर्क ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, एलसीएम एक्स प्लस 25 और एक्स प्लस 16 आ जाएगा, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस 16 आ जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी एक्स प्लस 25 आ जाएगी। तो आप इस तरह से सॉल्व करो तो आपको काफी लंबा पड़ने वाला है। तो सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे हमने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, जितने दिन एक्स्ट्रा है, ए के दिन एक्स्ट्रा, तो ए के दिन कितना हो गया, 25 दिन एक्स्ट्रा, तो 25 का स्क्वायर करो, ठीक है। और बी के दिन एक्स्ट्रा है, 1 मिनट, सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं भाई, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। तो 25 ए के दिन एक्स्ट्रा है, बी के दिन 16 एक्स्ट्रा है, तो कितना हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 400 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 20 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 11। क्या बोला कि प्रोपोर्शन निकालना है ग्रोस एंड मिक्स, जिसमें व्हीट है 12 रुपए केजी का और 25 रुपए केजी, और अगर इनको मिक्स करा जाए तो 20 रुपए पर केजी होना चाहिए। तो यहाँ पर दो मिक्स किया गया है, तो ये फर्स्ट मिक्सर ये मान लेते हैं, या सेकंड मिक्सर, एक तो 12 रुपए का है, एक तो 25 रुपए का। अगर हम दोनों को मिक्स करें तो ये कितने का है, 20 रुपए का, ठीक है। तो अब पूछा है कि ऐसा कितना क्या प्रोपोर्शन इनका हो सकता है, तो प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। तो इन दोनों का माइनस करिए तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 8, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पर आएगा 5। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि जो तो नीचे वैल्यू आती है वो आपके मेजर रेशियो में आती है, ठीक। तो 5:8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला कि मेन प्रोपोर्शन पूछा है 32 और 162 का। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है इन दोनों की मल्टीप्लाई का स्क्वायर रूट कर दो, 32 गुना 162 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको 32 का नहीं पता, 162 का नहीं पता, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई आपने करना नहीं है, तो आप क्या करोगे, 32 को आप तोड़ोगे 16 गुना 2 में, और 162 को आप तोड़ोगे 81 गुना 2 में, ठीक है। तो यहां से मुझे 16 स्क्वायर नंबर मिल गया, 2 भी एक चार स्क्वायर नंबर मिल गया, और 81 भी एक स्क्वायर नंबर मिल गया। तो जैसे स्क्वायर रूट ओपन करूंगा तो 4 इसका आ जाएगा, 2 एक का आ जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 9 बेहतर आपको राइट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि राखी परचेज कर रही है बास्केट वॉलेट और बेल्ट, और डिस्काउंट ले रही है 5%, 8% और 10% का बास्केट और वॉलेट और बेल्ट पर, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मार्क प्राइस, उन पे मार्क प्राइस इतना है, तो हाउ मच अमाउंट डिड सी टोटल, तो टोटल कितना पे करेगी। तो आप पहले निकालो 80 का, पहले बास्केट है ना, बास्केट का एमपी 80 है, और इस पर 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो 10% का 8 होता है, तो 5% का कितना हो जाएगा 4, तो 4 8 तो कितना आ जाएगा, यहां से आप 76 रुपये में एसपी कर लोगे, ठीक है। बास्केट के बाद आपका वॉलेट आ जाता है, वॉलेट आपका 150 रुपये का है, 150 रुपये का है, और इस पर 8% का डिस्काउंट लगाया गया, तो 8% का डिस्काउंट कितना हो जाएगा 150 का, तो 150 का 10% तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, और 150 का 8% आई थिंक, हाँ 12 रुपये होगा, ठीक है। तो 12 रुपये माइनस करिए इसमें से, आपको कितना आ जाएगा यहाँ पर एसपी, यहाँ पर इसका एसपी कितना हो जाएगा, 12 माइनस करोगे तो ये आपका 8, और 10 में से दोगे 8, और
चार में से गए 3, 138 रुपये हो गए, और 350 का आपको क्या है बेल्ट है, तो 350 मार्क प्राइस इस पे है, और 10% का डिस्काउंट इस पे दिया गया, तो एक 350 का 10% कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 को माइनस करिए तो 5 और 1 और 315 आपके यहाँ आ जाएगा। अब बोला कि इसने कितने रुपए दिए, तो यहाँ पर इसने इतने रुपए दिए, टोटल कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 6 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 6 और 8 14 और 5 19, तो 9 किसके लास्ट में है, एक के दो डिजिट में आंसर आएगा, नहीं 0 है इसके लास्ट में, बाकी आगे देखते हैं, तो 19 2 और 3 6 और सॉरी 7 और 3 10 और 2 12, तो 2 किसके में है, इसमें है या सॉरी इसमें नहीं है, कट हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर दे देगा, बाकी आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, सेकंड सेकंड इंपॉर्टेंट है पेपर में, ठीक है। बोला कि ए बी ट्रायंगल बी पर 90 डिग्री, आपका ए है ये आपका सी है, और ए बी बोला कि 1 है और बी सी आपका 2 हो जाएगा, तो कोस ए कोस कोस ए और टेन से आपको बताना है, तो कोस टेन क्या होता है, टेन पहले आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखिए, सी पूछा तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो जाएगा 1/2। अब को इसका आप ट्रिपलेट करिए, तो ट्रिपलेट करोगे तो 1 और 2 1 और 4 5 5 का स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, ए के अकॉर्डिंग मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 तो आपका हाइपोटेन्यूस सॉरी बेस हो जाएगा और √5 आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, आपने इसको सोल्व करना है, ठीक है। करिए एलसीएम सोल्व करिए, तो एलसीएम सोल्व करोगे तो आपके पास 2√5 आ गया, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर √5 आ जाएगा, आई थिंक ये आपका बेटर आंसर रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दे रखे हैं ये कुछ क्वेश्चंस, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन बहुत मुश्किल है जो कि मैंने ऑलरेडी स्किप कर चुका हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन को, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इतना है और एलसीएम इतना दे रखा, तो एचसीएफ क्या होगा, जब हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर आता है, टू नंबर्स के बराबर आता है, तो एचसीएफ आपको निकालना, तो एलसीएम हम इसको नीचे डिवाइड में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तो 8 सॉरी 20,000 डिवाइड बाई 800, ये कट गया तो 8 से कट करो तो 8 पे भी सीधा 25 पे चला जाएगा, कितना आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि ए प्लस 1/A 3 है, तो पावर 4 में क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 1/A² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर करो और आपका स्क्वायर किया और माइनस में 2 कर दो, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बोला कि इसकी पावर फिर 2 कर दो, तो ए की पावर 4 आ जाएगी, तो यहाँ पर फिर 7 के स्क्वायर करो माइनस में 2 करो, 49 - 2 आपको कितना दे देगा, 47 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स 60 है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑन सब्जेक्ट C1, C1 आपका ये है, और तो 10% आपका C1 के बराबर आ जाएगा, 10% के बराबर, तो टू द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर सब्जेक्ट के एवरेज आपको लगाना है, तो यहाँ पर हम एवरेज देखते हैं, तो यहाँ पर 100% डिवाइड बाई 4 हो जाएगा 25, 25 क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, तो 10% का 25% से आपने फ्रैक्शन बताने हैं, तो आपने पूरा कैलकुलेशन करके नहीं देखना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज करो, 5 से 2 हो जाएगा, 5 से 5 आएगा, 2:5 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बोला है कि कोस 37 15 साइन 53 कोस 43 कोसेक 43 आपको क्या दे देगा। अच्छा तो एक काम करता हूं मैं, कोसेक 43 को 1/sin 43 करूंगा, तो sin 43 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ए प्लस बी एंगल ए प्लस बी अगर 90 डिग्री हो, अगर एंगल ए प्लस बी 90 डिग्री हो, तो हम क्या करते हैं, तो ए की जो वैल्यू होती है वो 90 + b आते हैं, जिसे हम बोलते हैं अगर साइन थीटा होगा तो वो क्या होगा, कोस
90 प्लस थीटा होगा, ठीक है, ये चीज होगी। तो यहाँ पर आप देखिए 53 है, कोस कोस की जगह हम चेंज कर, साइन साइन को कोस में बदलेंगे, तो कोस 37 साइन 90, सॉरी ये आप कोस लिखेंगे भाई, कोस 37 डिवाइड बाई कोस 90 माइनस 53, ठीक है। तो जैसे आप सोल्व करोगे तो कोस 37 अपॉन में कोस 37 आपको दिखाई देता है, यहां से जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा इधर से। सेम प्रोसेस यहाँ पर है, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सफेद इतना दे रखा है, तो सरफेस एरिया आपको निकालना होगा, तो सरफेस एरिया निकालना है कि तो सफेद के वॉल्यूम में कहीं ना कहीं पाई आता है, ठीक है। ओके, तो एक बार बता देता हूं मैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, तो ये दो फॉर्मूले, तो एक चीज देखो, पहले तो मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाता हूँ, तो 4 से मल्टीपल है, तो 4 से मल्टीपल है तो ये तो 4 पर जाएगा नहीं, 7 है लास्ट में, और बाकी 74 देखिए, 24 देखिए चला जाएगा, 74 भी आई थिंक आपका चला नहीं जाएगा 4 से, ये क्या गलत ऑप्शन दे दिया गया इन्होंने, चलो देखते हैं भाई बाकी। और पाई है, पाई की मतलब 22/7 वैल्यू दे रखी है, तो 22/7 वैल्यू देगा, सॉरी 22/7, और ये 22 क्या है, 11 गुना 2 है, तो 11 के मल्टीपल में आप चेक करिए कि 11 का मल्टीपल कौन सा दे रहा है, और 11 का मल्टीपल क्या आता है, अल्टरनेट डिजिट का सम 0 या फिर 11 का होना चाहिए, तो 1 और 4 8, 5 5 और 4 9 हो गया, और 2 और 7 9 माइनस 9 कितना हो गया, 0, ये चला जाएगा, 1 और 4 ये भी चला जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 4 7 ये नहीं जाएगा, ये आपका 11 से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो भाई अब आप इस दो ऑप्शन में हो सकते हैं आंसर कंफ्यूज, आई थिंक मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन में इसका राइट आंसर जाना चाहिए, क्योंकि 4 के मल्टीपल भी तो है सरफेस एरिया। ओके, तो देख लेते हैं इसने क्या लगाया, जो भी जिसका पेपर अपने पास है, इसने भी सेकंड लगा रहा था, चलो सॉल्व ही करते हैं फिर। तो फिर देखते हैं, जो अपना डिविजिबिलिटी ऐसे नहीं जा रहा है तो ऑप्शन तो चेक करते हैं, मैं होता तो भाई पक्का ये थर्ड ऑप्शन राइट लगाता था, और जिससे मेरा आंसर हो जाता गलत। तो अब देखो 4/3 पाई क्या है, 22/7 है, आर क्यूब आपने निकालना है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 13,097 है। ओके, तो 11 से कट करते, 11 दूनी, और 11 एकम 11, 2 0, 11 कम 11, 9 9 11 नहीं, ठीक है, 0 और 7 हो गया भाई। अब किसी से कट हो गई, किसी से भी कट नहीं होगा, तो आर क्यूब निकालते हैं भाई, एक बार 3 को अलग कर लेते हैं, इसमें से 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9 2 9 3 7 21, 2 0 2 9 हो गया, 3 निम 27 कितना हो गया भाई, यहां पर 2 0 6 27 9, ठीक है, और किसको अलग किया, 3 को अलग किया है, और 3 ही आ गया आपका, और ऊपर 7 ही आ गया, और नीचे कितना है, 4 दुनी 8 है। ओके, आगे चेक करते हैं, और 3 3 को निकालते हैं भाई, और 3 को निकालोगे तो 1 3 2 3 आपका आ जाएगा, और 3 3 3 × 7/8 आ जाएगा, ठीक। तो 7 को भी निकालिए यहां से, और निकालते 7, देखो आर क्यूब मतलब जो आर की वैल्यू मेरी आ रही है, तो 3 आ रही है, और बाई में डिवाइड में 8 किसका क्यूब है, 2 है, ठीक है, और इसमें से 7 को निकालता हूं, तो 7 7 1 7 6 2, 7 8 56, 6 3 7 1 7 को निकालो, 7 2 14 और 7 7, ठीक है भाई, 27 की देखो 7 भी निकल गया अपना, और 27 किसका है, 3 का है, तो मेरी रेडियस ये आ जाएगी, पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा जो भी आएगा,
फोर इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइड बाई 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट करो, 7 से आपका कितना हो जाएगा, 7 पे चला जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं अभी भी, तो करते हैं भाई सोल्व। प्लस 81 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 82 गुना 1 7 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। अब 82 से मल्टीप्लाई करो 22 से, 22 5 कितना होता है भाई आपका, 110 होता है, तो 110 के लगभग जाएगा, स्टार्टिंग में 110 से स्टार्ट होगा तो 124 ही नजदीक है, ये कट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस पर तो अच्छे से फोकस करना, ये आपका अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बोला कि स्पीड ऑफ बोट दे रहेगी स्टैंडिंग वाटर में 6 है, तो ये हमने मान लिया एक्स स्पीड है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है ये हमने मान लिया वाई है। ए मेन रोड टू कंप्लीट डिस्टेंस 559.5 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, गया और फिर आया तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, चलो देखते हैं भाई। तो 59.5 एक बार तो डाउन स्ट्रीम में पहुंचाते हैं, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा के साथ में चलना, धारा के साथ में चलना, तो एक्स प्लस वाई दोनों को प्लस कर देते हैं 6.285, ठीक है। दुबारी आया, दुबारी कितना टाइम लेगा, 59.5 सेम डिस्टेंस है और आपका 6-2.5 रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, ये सॉल्व आपने करना है। करिए भाई 59.5 को तो अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर 1/8.5 बचेगा, इधर 1 बाई आपका कितना बचेगा 3.5 बचेगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा 59.5 और ये आपका 3.5 और 8.5 मतलब 8 और 4 12 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना है 8.5 इंटू 3.5 ही मल्टीप्लाई है, हो गया, 7 से कट हो जाएगा भाई, 7 8 56 हो जाएगा, 7 से 0.5 आया, 7 से आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा 7 8 56 3 5 7 5 8.5 से 8.5 कट आउट, तो ये आपका 1/2 होगा, तो 12 × 2 आपका राइट आंसर दे देगा, 24 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इस पे भी आप जरा फोकस करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि टेबल दी गई है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा किसने कौन से ट्रांसपोर्ट यूज हुई है, किसके द्वारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों द्वारा, तो अब बॉयज में अगर हम देखते हैं तो बॉयज में सबसे ज्यादा इन्होंने की है और गर्ल्स में इन्होंने की है, लेकिन कितना ज्यादा कि यहाँ अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कितना ज्यादा है 90 ज्यादा, यहाँ पर कितना ज्यादा 50 ज्यादा है, तो यहाँ पर अभी भी कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर 40 बच्चे और हैं साइकिल पर, तो भाई साइकिल आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक बोट कवर कर रही है डिस्टेंस 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में, 12 घंटे कवर कर रही है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम में, इट टेक 12 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड आपको बताने है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया है फिर से अपना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर स्पीड निकालता हूँ, रिलेटिव स्पीड जो होगी डाउन स्ट्रीम में वो क्या होता है एक्स प्लस वाई होता है, जो कितना दे देगा 72 डिवाइड बाय 6 12 दे देगा, ठीक है। और अपस्ट्रीम में इन्होंने बोला कि 12 घंटे ले रहा है, इट टेक आवर टू कवर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस डिस्टेंस अपस्ट्रीम में 72 मतलब दोनों का एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो 72 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है राइट। तो ये तो क्या है स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, तो बोट की स्पीड आपने बतानी है, तो एक्स की वैल्यू आपने बतानी है, तो क्या करोगे दोनों को ऐड करिए, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों को ऐड करोगे तो यहां से 2x आया, यहां से ऐड करोगे तो 18 आया, तो 2 से कट करो 9 आ जाएगा, तो 9 आपका राइट आंसर दे देगा। और स्ट्रीम की अगर पूछे तो स्ट्रीम के आपका फिर आपने साइन चेंज करने पड़ेंगे ताकि एक्स आपका कट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बार का साइन है तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 छः, छः 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, 7/3 में से -1/3 करोगे तो 6/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पूरा पूरा 2 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 3 3 9 और 1 10, या आपका 2 से कट करोगे या आपका 5 आए, तो 5/3 आया अपने पास। अब सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो 3 5 15 और 16/3 -3 4 12, 12 और 1 13/3 +5/3 हो जाएगा, 13 और 5 18 होता है, 3 से कट करोगे 18 6 होता है, तो 16/3 -6, वैसे इसको सोल्व करना है, तो 16 -18/3 तो -2/3 आपका राइट आंसर दे देगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सोल्व करते हैं इसको, तो पहले डिवाइड सोल्व होगा तो ये 49 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 9, 9 से 9 कटा, 7 से आपका ये 7 कटा, 7 से आपका ये 2 कटा, ऊपर क्या आया 1 माइनस, ऊपर से सब कुछ कट गया ना, ऊपर से सब कुछ कट गया तो 1 -1/2 आया। नीचे देखते हैं, मल्टीप्लाई किया तो 25 ऊपर आया, मल्टीप्लाई किया तो 25 ऊपर आया, 5 से कट करोगे 6 6 से 5 हो जाएगा, तो 1 +3/5 आया, इसको सोल्व करना है अपने, 2 में से 1 गया, 1/2 रह जाएगा नीचे, और 5 और 3 8/5 रह जाएगा, तो 8/5 को मैं उल्टा करता हूँ, 5/8, ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो आएगा 5/16 आपका राइट आंसर दे देगा, ये क्या गलत हो गया, तो देखते हैं भाई, और कॉन्फिडेंस में शायद अपना गलत भी हो गया। पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा और ये आपके नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। आगे देखो, 3 3 9 होता है, 9 से 9 कटा, 7 से आपका ये 7 कटा, 7 से आपका ये 2 कटा, तो 1 -1/2 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो 25 ऊपर आ जाएगा, 25 ऊपर आएगा तो 5 से आपका ये 5 कटा, 5 से आपका ये 6 पे गया, ओके 3 एकम 3, ओके 1 +1/2 आना था, ये नीचे गलती हुई अपने भाई, तो अब इसको सोल्व करें तो ऊपर 1/2 आया, नीचे आपका कितना आएगा 3/2, सोल्व करोगे तो उल्टा कर दो 2/3, 2 से 2 कटा, 1/3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है, 1/3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। बोला कि एक इलेक्शन है जिसमें दो टू कैंडिडेट्स के बीच में 80% ऑफ वोटर कास्ट वेयर वोट्स, आउट ऑफ विच 5% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, ठीक है, एक कैंडिडेट गोट 9 इतना वोट ले रहा है, विच आर 80% ऑफ वैलिड वोट, ओके फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड इन इलेक्शन, तो कितने इलेक्शन में वोट लगे हैं, तो भाई बोला कि इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में 80%, ठीक है, देखते हैं, तो 80% ऑफ वोटर देयर वोट्स, तो उनमें से 80% ने वोट दिए और उसमें से 5% इनवैलिड निकल गए, मतलब पहले टोटल पर्सन अगर मान ले हम एक्स हैं और इसके 80% लोगों ने वोट दी है, तो 80% कितना होता है, 4/5 होता है, तो 4/5 लोगों ने क्या किया है, वोट दिया है इनटू में, तो इसमें से 5% इनवैलिड निकल गई, इसमें से 5% इनवैलिड निकल गए, तो बचे कितने 95%, बचे 95% लिख दो, और अब इन 95% का भी क्या है, 80% इसके बराबर है, मतलब इन सभी का आप जो होगा ना वो 80% 80% फिर से 4/5 ये इसके बराबर ही, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है, टोटल वोट्स आपका आंसर दे देगा, तो 95 से आपका गया 100 पर, ठीक है, और 4 से आपका ये 25 पर, और 4 से आपका ये 25 पर, अगर आप चेक करोगे एक्स की वैल्यू 25 × 25 × 25 आया, तो 5 × 5 भी तो 25 होता है, तो 25 का क्यूब अगर आपको याद है 15 625, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि एक इनलेट पाइप है तो अनफिटेड टैंक को इतने घंटे में फिल कर रही है, जबकि आउटलेट पाइप किसी भी पाइप को 6.3 घंटे में खाली कर रही है,
अगर दोनों को ओपन कर लिया जाए साइमल्टेनियसली, जब टैंक एम्प्टी हो तो कितने घंटे में टैंक कंप्लीट फिल होगा? तो देखिए, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, राइट? ओके, तो इनका एलसीएम लिए, टोटल टैंकी आ जाएगी 3.6 × 6.3, टोटल टैंकी की कैपेसिटी आ गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो अगर ये 3.6 है तो एफिशिएंसी इसकी 6.3 होगी, अगर ये 6.3 तो एफिशिएंसी इसकी 3.6 होगी, एक दूसरे को उल्टा होता है। अगर आप देखोगे टोटल फिल करो तो यहाँ पर टोटल ये तो आपका नेगेटिव होगा क्योंकि निकाल रहा है, तो 13 में से 6 गए 7 और ये आपका 5 में से 3 गए 2, 2.7 ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो आप देखिए 3.6 × 6.3 बोलेगे 2.7 सेकंड के कितनी देर में फिल कर देगा। तो अगर 9 सेकंड करोगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, 9 सेकंड करोगे आपका 3, डेसिमल से डेसिमल पहले आप कट कर चुके हैं, 3 से आप कट करोगे 3 से आपका ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 4 × 8 2.1, 8.4 आपका राइट आंसर दे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी सोल्ड ए हाउस भार्गव, गेन 10% है, भार्गव सोल्ड चेतन, गेन कितना 20% है, चेतन पेड करता है इतना, तो प्राइस अभी के पास जो परचेज प्राइस था कितना था? चलो अभी भार्गव को देता है 10%, 10% प्रॉफिट पर, अगर 10% का फ्रैक्शन निकाले 1/10 होता है, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। अब भार्गव चेतन को सोल्व करता है गेन 20% पर, 20% कितना है, भार्गव चेतन को सोल्व करता है 20% मतलब 1/5 प्रॉफिट में करता, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक, 5 से 6 बना देगा। तो चेतन कितने रुपए देता है बाद में लिखेंगे, तो पहले सभी को मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर इसको बराबर बना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मल्टीप्लाई 11, इधर भी मल्टीप्लाई 11, इधर भी मल्टीप्लाई 5, तो 50 इसके पास आए थे, ये इसके पास 55 हो गया, इसके पास 66 हो गया, 66 की वैल्यू आपके पास कितने की मान है, 2, 6, 4, बस इतना ही कर लेते हैं, या क्या करें एक बार 00 लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो आई थिंक इतना भी जरूरत पड़ जाएगा, देखोगे तो आप मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 4 इसके साथ आपको क्या निकालना है, अभी का परचेज प्राइस निकालना, तो ये आपको मल्टीप्लाई 4 करना है, तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 स्टार्टिंग होगी, 230 गलत हो गया, 250 गलत हो गया, 175 गलत हो गया, यहाँ पर आप देखिए 200 है और ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल रन स्कोर अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, टोटल रन ड्यूरिंग, अच्छा सीजन भी है 2019 और 20, 2000 डिफरेंस बिटवीन द टोटल रन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 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 आपको कहा है, ये रहा 14% के साथ न्यूजीलैंड है, और पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान ये रहा आपका 16% के साथ पाकिस्तान है, टोटल यहाँ पर 4,000 है, यहाँ पर 5,000 है, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कितना परसेंट हो गया, 30% हो गया, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू 4,000 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, और 30% की 30 × 40 अगर आप करोगे तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से तो 1200 आया। दूसरा देख लीजिए, टोटल रन अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान, अब श्रीलंका कहाँ पर है, दूसरे ये रहा 2021 में श्रीलंका 20% से, और पाकिस्तान 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 ये 15% है, टोटल कितना हो गया 35%, 35% का सपोर्ट आपने निकालना है, तो ये 100% के बराबर है, तो करिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 50 आ जाएगी, तो 35% की 50 से मल्टीप्लाई करिए, 0 × 25 × 5 = 15 और 17, 1750 आ गए, तो 1750 और 1200 का आपको डिफरेंस लेना, 0 × 5 = 5 आपका राइट आंसर दे देगा 550। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको बताना है, वॉल्यूम जिसका ये, तो टोटल सरफेस एरिया आपको वॉल्यूम बता तो रखा आपको कितना है, वॉल्यूम अगर ये है तो टोटल सरफेस एरिया कितना, 4 4 πr³ होता है,
सॉरी स्क्वेयर होता है, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³ होता है। तो पाई तो पाई के बराबर दे रखा है, तो हम इससे ज्यादा कैलकुलेट करेंगे नहीं, और ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो पाई तो सभी में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है, कट हो जाएगा, ये भी आपका 4 का मल्टीपल है, तो एक ऑप्शन तो अपना एलिमिनेट हो गया। तो भाई करो, 3 से 3 कट होगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, 4 से अगर कट करोगे तो 4, अच्छा 4r² तो निकालना है ना हमें, तो इसको 4 से कट करके अलग करो, 4 × 4 = 24, 4 चौक तो r³, तो r की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, और r² की वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 4π × 16 आ जाएगा, 16 जो 64 होता है, 64π आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि K10, अगर ये कंडीशन दे रखी तो क्या निकालना, हमें K की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो बस टेबल याद होनी चाहिए, वैल्यू याद होनी चाहिए, 10 45 आपका 1 होता है, sin 60 आपका कितना होता है, √3/2 होता है, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, और √30 कितना होता है, √3 होता है, ये आपको सॉल्व करना है, √3 से √3 2 से 2 कट हो जाए, तो K की वैल्यू सिर्फ 1 आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक इंस्पेक्टर 288 मीटर एक चोर को देखता है, और इंस्पेक्टर रन 42 मीटर एंड द थीफ रन 30 मीटर इन ए मिनट। बोलता है कि 42 मीटर 1 मिनट में होता है, पुलिस जो इंस्पेक्टर है वो 42 मीटर पर मिनट जाता है, और थीफ जो जाता है 30 मीटर पर मिनट जाता है, तो हाउ मच टाइम इंस्पेक्टर कैच द थीफ, थीफ कितनी देर में पकड़ा जाएगा, तो करते हैं भाई, 288 टोटल डिस्टेंस है, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, डिफरेंस होता है 12। ओके 12 राइट, तो मिनट में आंसर देना, तो मिनट में आंसर आ जाएगा, तो 12 × 2 = 24 होता है, 4 और 8 = 48, 12 = 24, तो 24 आपका राइट आंसर दे दे। बिल्कुल अच्छा सा, सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये गिवन था। बोला कि 3 बॉयज हैं और एवरेज है 25 ईयर ओल्ड उनका, तो एज एज का रेशियो दे रखा है इतना, तो एज ऑफ यंगेस्ट बॉयज आपने निकालना है, तो 3 की वैल्यू आपने निकालनी है, तो अगर ये 3 का एवरेज है तो 25 × 3 टोटल हो जाएगा, 75 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप चेक करोगे 3, 5 और 7 और 5, 15 और 3, 15 टोटल वैल्यू होगी 15, तो ये 75 किसके बराबर है, 15 के बराबर है, और आपको किसकी निकालनी, 3 से, तो डिवाइड बाय 5 किया, आप इधर डिवाइड बाय 5 किया, तो इधर भी डिवाइड बाय 5 करोगे, तो कितना आ जाएगा, 15 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2 नंबर है जिसका रेशियो ये है, तो एक्स आपको 25 है, तो नंबर्स बताने हैं आपने, तो अगर ये 12 का मल्टीपल है तो ये ऑड नंबर है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 7 है तो 7 पे 50 का भी नहीं आता आपका आंसर, बिना सोचे समझे हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डीलर सेल करता अपने गुड्स को 10% लॉस पर शिपी पर, बट यूज करता 25% लॉस वेट, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप बताओ कितना होगा, तो यहां पर शिपी लिख देते हैं, यहां पर SP लिख देते हैं, 10% का कितना होगा, 1/10 होगा, तो अगर ये 10 शिपी देगा, लॉस दे रहा है, मतलब कहने के अकॉर्डिंग वो 9 9 में दे रहा है। ठीक है, लेकिन 25% मतलब 1/4, तो अगर वो 4 का देता है लेकिन लॉस लेस कर रहा है 3 का, तो ये आपका आंसर दे देगा। ठीक है, मतलब 4 का देगे, मतलब थोड़ा वो वेट में कमी कर रहा है, और कितना कमी कर रहा है, 4 की बजाय वो 3 का दे रहा है। ठीक है, तो सीपी वो क्या कर रहा है, 3 का दे रहा है और 4 कमा रहा है। ठीक है राइट, 4 की बजाय वो 3 पे दे रहा है, वेट का उल्टा हो जाता है राइट, तो 3 से आप कट करोगे, आपका 3 हो जाएगा, 4 से आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 पे, और ये आपका 5 पर, तो यहाँ पर 5 आए, यहाँ पर 6 आया, तो देखिए सीपी अभी भी कम है और एसपी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है, परसेंटेज निकालिए, इनटू में 100 करिए,
तो फर्स्ट से आपका कट हो जाएगा 20% आपका प्रॉफिट दे देगा अभी। बोला कि ये भी अंडरटेक कर रहे हैं प्रोजेक्ट को 36,000 में, ए अकेला 25 दिन काम करता है, जबकि बी दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, फॉर द नेक्स्ट 5 डेज वी वर्क अलोन। क्या बोल रहे, ए अलोन कैन डू द वर्क इन 25 डेज, दे वर्क टूगेदर फॉर 5 डेज, द नेक्स्ट 5 डेज बी वर्क अलोन, आफ्टर दैट ए सब्स्टिट्यूट बी एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। तो शेयर बताना है ए का कितना होगा। तो भाई देखिए, ये 36,000 रुपये मिले हैं, लेकिन बोला कि ए अकेले इस काम को 25 दिन में कर सकता है, तो 25 दिन में ए अकेला कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या हो, दे वर्क टूगेदर 5 डेज, तो ये 5 दिन के लिए ए प्लस बी के साथ 5 दिन कर रहा है, मतलब ये ए प्लस बी, ए और बी में क्या लिखूंगा, यहाँ पर एफिशिएंसी लिखूंगा, ठीक है। अगले 5 दिन भी अकेला करता है, तो अगले 5 दिन भी अकेला करता लिख दिया भाई। इसके बाद ए सब्स्टिट्यूट कर दिया बी को, तो बी की जगह कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, और रिमेनिंग वर्क जो है 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो 5 दिन में अब कौन करेगा, ए करेगा बी की जगह, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन देनी है, तो यहां से हम एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी देखिए क्या होगी। तो भाई यहां पर हम देखेंगे तो 25 ए इज इक्वल टू 5 ए प्लस 5 बी प्लस 5 ए प्लस 5 बी, तो ये ए में आ गया, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 को इधर लाऊंगा तो 15 ए हो जाएगी, और इधर 5 और 5 कितना हो गया, 10 बी हो गया, तो 5 से कट करेंगे 3, 5 से कट करेंगे 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, अगर आप चेक करोगे, ठीक है। तो यहां पर हम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसे नहीं निकाल रहे, हम किसके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है भाई, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये 36,000 क्या है, दोनों की एफिशिएंसी के बराबर है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, तो 5 की वैल्यू इस दोनों कितनी दे रखी, 36,000 दे रखी, और हमें किसकी चाहिए, 2 की वैल्यू चाहिए, तो 2 की वैल्यू चाहिए, पहले 1 की निकालो, 1 की निकालोगे तो ये आपका 5 से कट हो जाएगा, 5 7 35 और 5 2 10, तो 72 हो गए। अब 2 की मल्टीपल कर दो, दोनों तरफ 2 की मल्टीपल कर दो, तो ये आपका आंसर दे देगा 14,400, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर सेल करता है इतने इतने में 4 कंजिकेटिव डेज में, और बोला कि एवरेज सेल होती है इनकी 5 दिन में, तो 5th डे की सेल आपको बतानी है कितनी होगी। तो भाई मान लेते हैं हम सभी टोटल इतना ही है सभी का, ठीक है, तो 6,050 है, तो अगर टोटल 6,050 है, तो यहां पर हम देखेंगे कितना ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, प्लस कर दो, तो यहां पर ज्यादा हो गया 2, 1 और 512 का, ठीक है। यहां पर कम है, कितना कम है, 10 में से 5 के 5, मैं कर रहा हूं 6,050 में से 5,865 को माइनस, तो 14 में से 6 गए 8, और आपका 1, 185। यहां पर हम देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 60 50 में से 59 37 माइनस कर रहा हूं मैं, और 100, एक तो 100 कंप्लीट हो गया, और 100 कंप्लीट 110 और 113 यहां पर आ गया, माइनस करो 60 50 में से 5445 को माइनस कर रहा हूं मैं, तो 5 और 14 में से 4 गए 0, और 14 में से 4 गए 0, और यहां पर आपको कितना आ जाएगा 5 5 आएगा, 505, ठीक है। 445 से 445 जाएगा तो 900 945 जाएगा तो 500, ये आपका 600 दे देगा भाई। तो भाई इसको सोल्व करना, आपने सोल्व करिए कितना आ जाएगा, तो 605 में से 512 हटाइए पहले, तो 605 में से 512 हटाओगे तो 3 और 10, 9 में से 1 गया 83 आ गया, 83 113 और 185 को प्लस करिए, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 3 6 और 5 11, और 8 8 16 और 2 18 और 1 3 381,
तो ये जो 381 माइनस वन है, ये कहाँ जाके प्लस होगा ताकि 6050 आ जाए? ये फिफ्थ डे जाके प्लस होगा, तो फिफ्थ डे के आपको आप निकालने, तो 6050 तो एवरेज माननी थी, और ये 381 यहाँ पर आपने माइनस नहीं करना है, प्लस करना है ताकि आपके बराबर एवरेज ला दे। अगर यहाँ पर माइनस आई तो प्लस करना है, यहाँ पर प्लस आए तो माइनस करना है, ठीक है? दोनों उल्टे होते हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 5 और 8 कितना हो जाएगा? 15, 5 और 8 आपका 13, और 1 4 और 6। क्या गलती रह गई भाई अपनी? तो 600 में से 500 गया, 605 में से अगर हम 505 माइनस करेंगे तो 100, अच्छा 93 भाई, सॉरी ये 93 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है 9 आएगा, 4 आ जाए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, बोला कि विच ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी पी, कंपनी पी में फीमेल एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर मेल एम्प्लॉय बीच में रखता हूं मैं, तो ये आपका 0 और 6 5, और आपका 3 2, ये तो मेल आ गए, ठीक है? और डू दैट दैट इन कंपनी आर, आर कंपनी से, आर कंपनी का मेल ले लो, 2 और 2 और 5, 15 में से 8 गया 7, और 29 में से 12 गया 17, तो डिफरेंस चेक करना, डिफरेंस चेक करो आप कितना हो गया, 10 में से 2 गए 8, और 15 में से 7 गया कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 14 में से 7 गए 7 हो जाएगा, और 578, आई थिंक 578 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर, तो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल एडिक्ट पूछा है, हैदराबाद मोबाइल जो भी है, तो टोटल नंबर ऑफ एडिक्ट मेल इन चेन्नई, चेन्नई में मेल का एडिक्शन देखना, तो 11 और 9 20 हो गया, टोटल 20 है, 20 की वैल्यू इतनी है, तो हमें 11 की चाहिए, तो सीधा आंसर दे देगा 11 की मल्टीपल में आपका आंसर दे देगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, एक कंपनी करती है मैन्युफैक्चर बॉक्स 3 टाइप के प्लास्टिक वुड ग्लासेस, और रेशियो है इनके 2 3 5 के, डिफरेंस दे रखा नंबर ऑफ वुड और ग्लास का 144, और प्लास्टिक बॉक्स इंक्रीज कर रहा है 25% से, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स निकालना है, तो यहाँ पर आप देखो डिफरेंस किसका, वुड और ग्लास का, वुड और ग्लास का रेशियो कितना देखो, प्लास्टिक वुड ग्लास 2 3 5, और इनका डिफरेंस दे रखा 2, लेकिन अपने क्वेश्चन में कितना है, 2 की वैल्यू 144 है, 144 से तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू, अच्छा प्लास्टिक पे काम करना है तो 2 की प्लास्टिक वैल्यू 2 की 144 आ जाएगी, राइट? तो अब इसको 25% इंक्रीज कर दिया, तो 25% इंक्रीज कर दिया, तो 6/5 से इंक्रीज कर दिया, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्स नाउ, अब कितनी होगी, ये क्या दे दिया भाई, 1/4 मतलब 5/4 से कट गया, सॉरी 4 से अगर कट करोगे तो 4 है और 4 6, तो 36 5 180 आपका राइट आंसर दे देगा, कितना अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट टू 1/5% का, तो 1/5% मतलब 1/500 आपका राइट आंसर दे देगा, ज्यादा सोचने नहीं था। डिडक्शन कमीशन डिडक्शन के बाद डीवीडी का सेट हुआ कितना, तो एमपी आपको बताना है, तो 1 बाय कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, डिस्काउंट मिला तो 4/5 है, 4 की वैल्यू कितना, 9 0 8 0, कितने से मल्टीप्लाई की होगी देख लीजिए, कितने से मल्टीप्लाई की होगी, तो 4 दुनी 8 और 10 और 4 दुनी 8 2 8 4 7 28 0, तो 5 की मल्टीप्लाई करिए, तो 5 5 32 35 होता है, ये आपका 5 दुनी 10 और आपका आंसर 11 350 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आनंद रिपोर्ट कर रहे एक स्मार्ट वॉच जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर 4400 रुपये में है, ही हैड लेस मनी सी पेड इतना डाउन पेमेंट, शॉपकीपर क्या करता है, ऑफर करता है अल्टरनेटिव 2440 रुपये 1 मंथ के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला कितना चार्ज किया, सिंपल इंटरेस्ट पर इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है? तो आप देखोगे आप क्या है कि भाई एक वॉच है 4400 रुपये की, ठीक है 4400 रुपये की, लेकिन डाउन पेमेंट कितने दी, 2000 रुपये दी, बचे कितने 2400 रुपये बचे, ठीक है?
तो आप बोला कि 2400 के बजाय ये क्या कह रहा है कि अगले मंथ जो होना चाहिए वो 2440 रुपये होना चाहिए। ठीक है, तो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा दिए इन्होंने, 40 रुपये एक्स्ट्रा दिया। और 40 रुपये क्या आया यहाँ पर, एस आई आई, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना फर्स्ट, एस आई 40। तो एस आई इज इक्वल टू पी इंटू पी कितना है, 2400। कितने ऊपर लिया था, 2400 के ऊपर लिया था। कितना रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है, टाइम कितना है, 1 मंथ। तो साल बना लो 1/12 और डिवाइड बाय 100 करिए, तो 00 00 कट किया हमने, और 12 से 1, 12 से 2, 2 से कट किया, तो ये का 20% आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पाई सेक्टर इंटरनल एंगल क्यू और एक्सटर्नल एंगल आर इंटरसेक्ट एट एस, क्यू एस आर इतना है। चलो भाई, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर ट्रायंगल है, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल, बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल क्यू, इसका ये बाइसेक्टर हो गया, और एक्सटर्नल एंगल एट एस, सॉरी एक्सटर्नल एंगल ऑफ आर, ये इसका एक्सटर्नल हो गया, इसका बाइसेक्टर करो। तो भाई हम एक्सटर्नल एंगल आर की चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्सटर्नल और एंगल आर बना लेते हैं। तो अब ये जो जाएगा ये कहीं ना कहीं मीट होगा यहाँ पर आर, ठीक है, एस पॉइंट पर। और ये कौन सा एंगल है, 40। इतना एंगल कितना दे दिया, 40। एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, 40। ठीक है, और आपसे पूछा है एंगल पी, एंगल पी क्या होता है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये थीटा होता है, जब दो बाइसेक्टर मतलब एक एक्सटर्नल एक इंटरनल के बाइसेक्टर से कोई पॉइंट टच हो रहा है, कोई एंगल बन रहा है थीटा, तो तीसरा एंगल ट्रायंगल का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इसका मतलब 2 गुना 40 आपका आंसर दे देगा, 80 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि x^4 की पावर y^4 की पावर इतना है, तो x^6 + y^6 कितना होगा। तो भाई इसको चेक करते हैं, तो x^4 y^4, तो यहाँ पर आप देखिए x^4 + y^4 माइनस में x²y² कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको मैं बनाता हूँ x²^3 + y²^3, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x²+y², और ये आपका अंदर आ जाएगा x²+y² - x²y². ठीक है, इसकी वैल्यू 0 हो, 0 के साथ किसी की मल्टीपल करोगे तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन बी, बी में क्या है, बी की गर्ल्स कितनी है, ओके, और टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल देखो कितना है, तो 846 है, 846 बटे गर्ल्स की परसेंटेज चाहिए ओनली बी बी में, तो आप क्या करोगे, सभी बच्चों का ऐड करना, तो 0 और 8 8 16 16 6 22 10 और 8 18 1 3 3 6 और 1 7, 7 8 2 0 × 100 कर लीजिए, आपका आंसर दे देगा, 0 से 0 कटवा, तो अब कितना हुआ, 2 से कट करेंगे तो ये आपका 5 पर चला जाएगा, 2 से कट करोगे तो आपका ये कितना चला जाएगा, 3 9 1 चला गया, और 300 कितने पर जाएगा, ये लगभग 6 पर चला जाएगा। सॉरी भाई, 20 कुल में चाहिए था, तो ये मैंने टोटल कर दिया, तो 846 हो जाएगा, और 1880 में हो जाएगा आपका, 1880 में हो जाएगा, उन्होंने 100 कर लीजिए, आप कट करो, तो यहां से कट हो गया, तो आप देखोगे आगे सोल्व करोगे तो 2 से और कट कर लेते हैं, 9 और 4 आया, 2 से कट करो 5 आएगा, और 94 से कट हो जाएगा, 9 पे कट हो गया सीधा, 94 गुना 94 94 नहीं मैं 9 गुना 5 अगर आप करोगे तो 45% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि ई एफ जी एच आर 4 पॉइंट लाइंग इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मेक ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किस तरह की भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जी यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये 57 डिग्री का है,
और ए एफ जी एच ये हमने बना लिया। तो एच ई एफ चाहिए आपको, ये चाहिए। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात क्या होती है, इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से 53 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 123 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये बोला है इसको सोल्व करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 121 ऊपर और बटे 36 आ जाएगा। तो कितने से कट करेंगे भाई, सात से भी कट नहीं हो रहा। ठीक है भाई, स्क्वायर रूट निकालना, तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट जो होगा, देखो ऊपर तो सारे वन वन है, तो 121 का स्क्वायर रूट निकालो तो 11 आएगा। ठीक है, 11 ऊपर आएगा, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी आपका ठीक है, लेकिन पॉइंट पे आपका आंसर नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये गलत हो गया। और 11 ऊपर आएगा तो ये गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन में है, अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। बाकी स्क्वायर रूट निकालो तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालो 2 आ जाएगा, इन 2 में इसका स्क्वायर रूट निकालो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ये आपने सोल्व करना और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो बोला कि रेडियस और हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीज करते वे 4 से 7, तो फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया न्यू बैलून टू इट्स ओरिजिनल। तो न्यू बैलून से इसका क्या निकालना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, अगर 4 से 7 कर दी गई है, ठीक है, तो पहले तो सरफेस, अगर मैं सरफेस ऑफ हेमिस्फेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वेयर होता है, राइट। और ये तो आपको ओरिजिनल देगा, इधर इधर आपका न्यू देगा, तो ये इस तरह भी 2 पाई आर स्क्वेयर, तो 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो आर है वो चेंजेस हो जाएंगे, तो 4 का स्क्वेयर इधर आ जाएगा, 7 का स्क्वेयर, तो 16 49 का रेशियो आएगा। लेकिन इसने बोला न्यू न्यू पहले दे दिया, न्यू कितना है 49 है, ओरिजिनल कितना है 16 है, तो आप 49/16 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच टाइप ऑफ बैटरी हैड हाईएस्ट टोटल सेल ओवर द लास्ट 7 इयर्स। सबसे ज्यादा बैटरी कौन सी बिक रही है पिछले साल के मुकाबले, तो देखते हैं। फिलहाल जो ऑप्शन में वो उस पर फोकस करेंगे, तो 4 है 55 है 35 और 32 है, 4 है 55 है 32 और 35, तो इसको हम कट कर रहे हैं एक बार, तो 75 से 90, 104 से 102, ये तो कम हो गई। क्या करना है, हाईएस्ट टोटल सेल के यहाँ पर 15 इंक्रीज हुआ, 6 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 9 इंक्रीज हुआ, यहाँ पर माइनस हुआ कितना 15। ओके, यहाँ पर फिर 15 आया प्लस का, और यहाँ पर कितना हुआ 10 हुआ। ओके, माइनस हुआ कितना, -8। ठीक है, -12 हुआ, सॉरी भाई, और ये फिर माइनस हुआ। ओके, माइनस ज्यादा ही हो गया। अब यहां पर 75 ऐड हुआ, तो वे 75 से 100 लाओगे तो 75 से 100 25 हो जाएगा, 25 27, तो ये तो कवर हो गया, ये अभी भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से 15 माइनस हुआ और 30 प्लस हुआ, इसी में ज्यादा हो गया भाई, क्योंकि ये ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ तो स्मॉल इंक्रीज है। बाकी इसमें चेक करो, कम हुआ ज्यादा हुआ लगभग 21, और यहाँ पर भी कम हुआ, तो कितना कम हुआ 15 कम हुआ, और यहाँ पर कितना कम हुआ तो लगभग 18 कम हुआ, देख लीजिए डिलीट हो जाएगा। तो बाकी आप इस पर प्रैक्टिस कर रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग 32 A H आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल का क्वेश्चन है, बोला कि विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ऑल स्कूल्स टुगेदर। सभी स्कूल में से कौन से स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पर टोटल गेवन दे रखा है, बेस्ट काम कर रखा है इन्होंने, तो यहाँ से आप सीधा आंसर निकाले किसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर मुझे 924 दिखाई दे रहा है 6th क्लास में। ठीक है, क्लास पूछिए तो 6th क्लास में सबसे ज्यादा, तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।